Bismillahirrahmanirrahim so we are continuing with the new topic we started that is derivative it's going to be a long topic because it's one of the main uh, part of our risk management course so we'll be spending a lot of time on it so we're building how it is related and how it's going to work so today we'll be learning some key terms that are essential for learning of the derivatives there are main four types of derivative contracts forwards They've definitely called forward contracts, but we'll be using the terms forwards, futures. We have told it's not about the time to come; it's specifically a name of a derivative. Then we have options, then we have swaps, and few other extensions of these. But these are the main areas which we'll be spending time. And we have told you earlier as well that it means a okay, forward will be applicable on many underlyings.

एंड सेटलमेंट ये चार होंगी तो एक कंप्लीट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जिसकी यूटिलाइजेशन होगी बेनिफिशियल होगा हमारे पर्पस के लिए और हमने पहले भी बात की हुई है कि डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है अपनी कोई सेल्फ नहीं है इट्स बेस्ड ऑन अंडरलाइंग तो अंडरलाइन क्या है अंडरलाइंग वो इंस्ट्रूमेंट है वो एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट है जिस पे ये बेस करेगा तो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो भी इस पे ड्राइव होगी डेरिवेटिव का लिंक भी इससे होगा डेरिवेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अंडरलाइंग विच इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये किस अंडरलाइंग की बात हो रही है ओरिजिनली ऑल डेरिवेटिव्स वर बेस्ड ऑन टेंजिबल एसेट्स पहले जो सिर्फ फिक्स एसेट जो जिनकी टेंजिबल एग्जिस्टेंस थी जैसे वेट गोल्ड इन पे बेस करते थे लेकिन एज द टाइम इज पासिंग तो उसमें भी एवोल्यूशन आ रही है तो अब हमारे पास आउटकम बेस्ड डेरेवेटिव भी हो गए हैं कि जैसे वेदर कैसा होगा और मल्टीपल अदर ऑप्शन आर कमिंग इन द स्ट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरलाइंग ये हम सैम्पल परपज के लिए बात कर रहे हैं एंड दिस लिस्ट इज नॉट कम्पलीट एग्जॉस्टिव नहीं है ये टू बी कंटिन्यूड एंड मैनी मोर बट लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि वट आर काइंड ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट तो दे कुड बी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज वीट राइस जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है जो कुछ गंदम उगाता है उसको रिस्क है कि जब मेरी फसल रेडी होगी तब रेट पता नहीं क्या होगा तो ही माइट बी इंटरेस्टेड इन द डेरिवेटिव सिमिलरली फ्लोर मिल वाले को भी रिस्क है कि पता नहीं गंदम का क्या रेट होगा तो दे आर माइट बी इंटरेस्टेड इस पे हम डिटेल से बात भी करेंगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे देन वी क्यूड हैव ऑन लाइफ स्टॉक सच एज कैटल्स एनिमल्स पे भी उनकी हम नेक्स्ट प्रोडक्शन पर भी अपनी बेटिंग कर सकते हैं एग्जाम्पल फर्दर कॉन्टिन्यू करते हैं ये लिस्ट लंबी है स्टिल आपको एक इम्प्रेशन के लिए ये हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी करंसीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज डेरीवेटिव क्योंकि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिनका भी करेंसी एक्सपोयर है दे वॉन्ट टू सेव गार्ड देम सेल्फ इंट्रास्ट रेट्स शेयर्स पे हो सकता है पूरे पोर्टफोलियोज़ पर हो सकता है इंडेक्सिस पे हो सकता है जैसे मेरा ख्याल है कि कराची स्टॉक्स चेंज इंडेक्स वैसे तो अब पी एफ सेक्स हो गया लेकिन इंडेक्स का नाम अभी भी के एस सी हंड्रेड ही है तो इंडेक्स का मेरा ख्याल है उसने अप जाना है तो आई कुड मेक इन्वेस्ट थ्रू सम इन डेरिवेटिव थ्रू दैट इंडेक्स सिमिलरली टू इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इन्फ्लेशन उस पर भी हम डेरेवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं नेचुरल रिसोर्स वैसे तो खैर मेड बाय गॉड हैं बट स्टिल दे आर अंडर सम प्रोसेस का स्ट्रक्चर है जैसे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस मेन यूटिलिटी इनकी है इन पे डेरिवेटिव्स की काफ़ी ज़्यादा रिलायंस भी है एग्जिस्टेंस भी वेदर रिलेटेड भी हो सकते हैं कि हीटिंग कूलिंग डेज क्या होंगे ये ज्यादा डेवेलप मार्केट्स में है हमारी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते बट एज वी आर लर्निंग इन द होल स्पेक्ट्रम तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए अदर प्रोडक्ट्स अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पे फर्टिलाइजर्स पे ये हो सकते इट्स अ लॉन्ग लिस्ट वी नीड टू हैव एन आइडिया किसी पर भी अंडरलाइंग हो सकता है यहाँ हमें एक थोड़ी सी केयरफुल होकर के भी चीज़ देखना ज़रूरी है कि अंडर को भी बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे वी हैव सीन के देर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अंडर तो उनकी क्वालिटी बड़ी डिफर कर सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रूड ऑयल की भी बात करें तो उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल्स हैं सच एज अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की ग्रेविटी है स्पेसिफिक क्या ग्रेविटी होगी सल्फर कंटेंट क्या होगा या राइस की भी अगर हम बात करें तो किस क्वालिटी का राइस होगा करेंसी की अब बात करें तो कौन सी स्पेसिफिक करेंसी होगी तो हमें उस अंडरलाइन की टर्म्स उसकी क्वालिटीज़ को भी बेगेज करके कैप्चर करना है देन अदर इम्पोर्टेंट की टर्म्स विच आर रिलेटेड इज साइज एंड प्राइस क्योंकि हम कितने की बात करें जैसे हमने करेंसी की अगर बात की तो क्या हम एक हज़ार डॉलर की बात करें हैं या दस हजार डॉलर की बात करें या वन मिलियन की बात करें तो उसका साइज स्पेसिफिकली मेंशन होना है देन अगेन द प्राइस द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो स्पेसिफाई साइज़ एंड प्राइस ये कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड होगा उससे क्लैरिटी होगी हमें साइज इज़ द अमाउंट ऑफ द अंडरलाइन टू बी एक्सचेंज के किस हम उसकी बात करेंगे प्राइस इज के जो ट्रांजेक्शन होगी या जो डील होगी वो किस प्राइस पे होगी ये दोनों एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है प्राइस स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट में बी कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि अगर हम आज एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं और हमारा लाइट से वो थ्री मंथ्स का या वन मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो एक महीने बाद जो सेटलमेंट होगी वो किस प्राइस पे होगी वो उसको हम नॉर्मली कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस नोट द price स्पेसिफाइड इन contract इज नॉट द current और स्पॉट फॉर द अंडरलाइंग बट अ price दैट इज गुड फॉर फ्यूचर डिलीवरी एक तो प्रोडक्ट अभी उसका रेट चल रहा होगा ना मार्केट में जो डेरिवेटिव में प्राइस नोट होगी वो हम कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट वट वी थिंक कैन बी द वैल्यू एक्चुअल उसमें वेरिएशन आएगी बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम जो प्राइस निगोशिएट होगी और फाइनल होगी पार्टीज़ में दैट इज द प्राइज दैट इज एक्सरसाइज प्राइस और प्राइक प्राइज एक्सपाइरेशन डेट कोई भी चीज़ ओपन नेंडेड नहीं हो सकती इट शुड हैव अ स्पेसीफाइड डेड लाइन टाइम लाइन तो एक्सपायरेशन डेट बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये किस टर्म की बात करें इज इट थ्री मंथ इज इट सिक्स मंथ इट कुड बी एनी पीरियड बट इट शुड बी डिफाइंड ऑल डेरी वेव अ फिनिट लाइफ ईच कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट एंडस कॉल द एक्सपायरेशन डेट कि ये इस डेट तक है कि कोई भी हो सकती है बट स्पेसिफिक होना इसका लाजमी है

इसमें जैसे फ़िजिकल डिलीवरी से मुराद ये है कि हमने आपसे कहा कि हम आपसे छः महीने बाद एक टन गंदुम ख़रीदेंगे तो अब ये फ़िज़िकल डिलीवरी फ़िज़िकल डिलीवरी क्या होगी कि आप छः महीने बाद हमें एक टन वीट देंगे हम आपको उसकी स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेंगे तो दिस इज़ रेफर टू एज फिज़िकल डिलीवरी ये सेटलमेंट का एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट आवर अंडरलाइंग आउटकम सच एज हेयरिंग कूलिंग अब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है या हम कह रहे हैं कि कितने दिन बारिश होगी या कितने दिन मौसम अच्छा रहेगा अब इसमें तो फिजिकल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस इट इज़ सेटल्ड इन सम अदर वे दैट इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट कि हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो बेहतर सेटलमेंट हो रही है दो पार्टीज़ में वो कैश में सेटलमेंट हो जाएगी विनिंग पार्टी विल गेट द मनी एंड लूजिंग पार्टी विल पे सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज सो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा डेरेवेटिव कैश सेटल होते हैं होते हैं बट स्टिल देर आर फ्यू विच आर फिजिकली डिलीवर्ड एज वेल तो इस पर हमने काफ़ी टाइम लगाना है आप कंटिन्यू थोड़ी सी इस पर रिसर्च भी करें कि हमारी मार्केट में डेरिवेटिव्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं बाकी हम नेक्स्ट में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे थैंक यू